तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन की जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक कम या ज्यादा होने लगती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ना एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज यूजेस का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको अगला काम करना है क्या, बैक पेज पे जाना है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो ये जो एंड्रॉइड सिस्टम का जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम UI का, इसे भी टैप करना है। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज यूजेस पे टैप करना है। अब यहाँ पर भी आपको इसे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम करना क्या है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको जो है इस सेटिंग पेज में लाएगा, तो आपको जो है इस वाले पेज में इरेज ऑल डेटा का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। आपका नीचे पेज आता है, इसमें इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।